सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, आरके लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको इंटरनेशनल योगा डे एंड फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज से हम जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम डेली 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्विज के रूप में करेंगे। आइए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस? हिंदी पत्रकारिता दिवस। और ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये हमारी सही ऑप्शन है ए, 30 मई को। 30 मई को मनाया जाता है। और इस दिन और क्या हुआ था फ्रेंड्स, आइए यह भी जान लेते हैं। इसी दिन पंडित युगल किशोर शुक्ल जी हैं, जो उन्होंने 1826 ईस्वी में फर्स्ट जो हमारा हिंदी का समाचार पत्र था उसका नाम था उदयंत मार्तंड। ठीक है फ्रेंड्स, उदयंत मार्तंड इसका प्रकाशन आरंभ किया था। और ये अक्सर टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि हमारा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, इसको किसने स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था। ओके फ्रेंड्स, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी फ्रेंड्स? ये हुई थी बंगाल से। ओके, और इसका श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखा आपने 30 मई को क्या क्या हुआ था हमारा। एक ही क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चंस को कर लिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर, फंगल पाउडर जिसे बोलते हैं, तैयार किया है, जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? किस स्टेट में हुआ फ्रेंड्स? ये असम में। ओके, ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक जिसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सुपर मशरूम, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है और इसी से प्राप्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसको चुना गया फ्रेंड्स नवीन अध्यक्ष, और कौन से बैंक का? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मार्कोस ट्राइजो। हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, मार्कोस ट्राइजो को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष तो हो गए फ्रेंड कौन? मार्कोस ट्राइजो। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हमारे इंडिया के बनाए हैं। उपाध्यक्ष कौन बनाए हैं फ्रेंड्स? अनिल किशोर जी। ओके फ्रेंड्स, अनिल किशोर जी जो हैं इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। ओके, एशियाई विकास बैंक ADB और हमारे इंडिया ने महाराष्ट्र की सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुस्तफ़ा हुसैन का हाल ही 83 ईयर्स यानी 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कौन सी भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार थे फ्रेंड्स? उर्दू के। ठीक है, हमारी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये हुसैन जी व्यंग्य लेखन के लिए जाने जाते थे। उर्दू साहित्य में मुस्तफ़ा हुसैन के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2007 में कौन सा अवार्ड मिला फ्रेंड्स? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और वे उर्दू के पहले व्यंग्यकार थे जिन्हें यह पद्म सम्मान मिला था। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है? कौन सी योजना है फ्रेंड्स? रोजगार सेतु। और किस स्टेट में स्टार्ट हुई है? ये मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ की गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है फ्रेंड्स? राज्य सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश में सभी कुशल श्रमिकों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए और इसके बाद उन्हें उन लोगों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें इन कौशल की ज़रूरत है। और राज्य सरकार का यह निर्णय मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए श्रम शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ यानी कोरोना वायरस महामारी के दौरान श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, 74 ईयर्स की एज में उनका निधन हो गया। किस राज्य के थे फ्रेंड्स मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ के। हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी। और वर्तमान में अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कब फ्रेंड्स? नवंबर 2000, ठीक है, 2000 में वे राज्य के फर्स्ट मुख्यमंत्री बने थे, फर्स्ट सीएम बने थे, ठीक है, और दिसंबर 2003 तक इसी पद पर बने रहे। अजीत जोगी जी ने भोपाल से इंजीनियरिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कौन सा डे? वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। और ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 जून को, ठीक है। हमारी ऑप्शन भी सही हो जाएगी। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड मिल्क डे भी बोलते हैं। बहुत सारे देशों के सहभागिता से पूरे विश्व में कब फ्रेंड? 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से लेकर 21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? कितने करोड़ रुपए मंजूर किए फ्रेंड्स? हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी। 445 करोड़ रुपए, यानी 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं 2020-21 के लिए, तो ये मंजूरी मिल गई है। और साल 2023 और 2024, ठीक है, इस तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। और सरकार के अनुसार राज्य में 45 लाख घर हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और इनमें से 20 लाख परिवारों को इस मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है, 20 लाख को, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? कौन से इस्लामी बल्लेबाज को नामांकित किया फ्रेंड्स? रोहित शर्मा को, ठीक है। हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, रोहित शर्मा को। कौन से पुरस्कार के लिए? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। और इसके अलावा BCCI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा को, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। रोहित शर्मा है जो साल 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ा पुरस्कार है ये खेलों का। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे एक अपील है, आप प्लीज़ उन स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए जो रेड जोन में हैं और ना ही बुक्स हैं उनके पास और ना ही कोई कोचिंग ले पा रहे हैं, जबकि CTET और अदर एग्जाम्स की डेट करीब हैं। आप सब वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Take care of my heart.